नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबाउ टूडे एंड यू आर वॉचिंग द राइट वे। दोस्तों हर जगह देखो केवल मीशो की एडवर्टाइजमेंट छाई हुई है। सोशल मीडिया पर देखो, यूट्यूब पर देखो या फिर टेलीविजन पर देखो, आखिर क्या है ये बला? दोस्तों ये बला नहीं, ये एक मार्केटिंग की कला है जो पूरे भारत के अंदर पूरे तरीके से छा रहा है। दोस्तों मीशो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर सेलर्स माल को सेल करते हैं और कस्टमर वहां से परचेस करते हैं। दोस्तों ये भी अमेज़न की तरह ही काम करता है। आज मीशो लगभग 2015 से लेकर तो 2021 तक 30,000 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ में आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों आज हम जानेंगे मीशो की बिजनेस केस स्टडी के बारे में, मीशो की बिजनेस एनालिसिस के बारे में, मीशो के बिजनेस मॉडल के बारे में। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आज आपको ऑल डिटेल मीशो कंपनी की बिजनेस केस स्टडी के बारे में जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मीशो की स्टार्टिंग होती है 2015 में। इस वेबसाइट को विदित आत्रे एवं संजीव बरनवाल द्वारा बनाया गया था। ये दोनों आईआईटी दिल्ली के अंदर साथ पढ़े हैं। दोनों ने मिलकर सोचा कि यार भारत में ऐसा कुछ ब्रांड बनाया जाए जिससे कि लोगों को फायदा मिले, लोगों को रोजगार भी मिले और लोग उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपने माल को सेल भी कर पाए। इनका सबसे बड़ा स्टार्टअप आइडिया ये था कि ये छोटे मोटे जो होलसेलर होते हैं उनको ये ऑनलाइन लाना चाहते थे कि ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। अब दोस्तों जानते हैं इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, आखिर मीशो का बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है। दोस्तों मीशो भी अमेज़न की तरह एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर माल को प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। इनके साथ में कई सेलर जुड़े होते हैं जो अपने माल को ऑनलाइन बेचते हैं और ऑनलाइन बेचने के जरिए मीशो उस माल को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करता है, जिसमें कि ये सेलर से कुछ परसेंट का कमीशन चार्ज करते हैं और शिपिंग चार्जेस इसके साथ में फ्री देते हैं। और यहीं पर दोस्तों ये सेकंड काम करते हैं रीसेलर का। भारत के अंदर अगर क्रांति लाई है रीसेलर की दुनिया में तो वो है मीशो। दोस्तों मीशो एक ऐसी वेबसाइट है जो कि घर बैठे बैठे लोगों को बिजनेस करने का एक मौका देती है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा अमेज़न के ऊपर कि जिस पर भी एक एफिलेटर प्रोग्राम चलता है उस पर हमारा एक रीसेलर अकाउंट बना के, एक एफिलेट अकाउंट बनाकर हम वहां से उस प्रोडक्ट की लिंक लोगों तक शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए। और लोग जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और परचेस करते हैं उस माल को तो इनको एफिलेटर को कुछ कमीशन मिलता है जो कि अमेज़न देता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि अमेज़न इसके ऊपर कुछ डिसाइड करके रखता है कमीशन, उतने ही परसेंट कमीशन हमको रीसेलर को उसके ऊपर मिलता है। लेकिन दोस्तों मीशो की खास बात मैं आपको बताऊं तो मीशो के ऊपर अब किसी भी प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं यानी कि उस पर ऑलरेडी प्रोडक्ट डले होते हैं, हमको केवल हमारी कैटेगरी और हमारा एक बिजनेस उसके अंदर बनाना होता है। और जब हम उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं लोगों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते हैं, स्टेटस के ऊपर शेयर करते हैं लोग, तो यहीं पर अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बेचते हैं तो वहां पर हम हमारे मन मुताबिक उसके अंदर कमीशन ऐड कर सकते हैं। कमीशन 50 रुपये हो सकता है, 100 रुपीज भी हो सकता है। इन्होंने सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट लोगों को ये दिया। दोस्तों आप सभी के माइंड में एक थॉट जरूर आ रहा होगा कि यार मीशो ने केवल 5 सालों के अंदर 30,000 करोड़ का वैल्यूएशन किस तरीके से क्रिएट किया। दोस्तों सबसे मेन ऑफ द की होती है किसी भी बिजनेस की उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजी सही हो ना तो बिल्कुल बिजनेस आसानी से अच्छे वैल्यूएशन की तरह आगे बढ़ते जाता है। यहाँ पर हम आज बात करेंगे इनकी वैल्यू और प्रॉफिटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों सबसे पहला है वीमन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण। भारत के अंदर कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास में रोजगार नहीं है, अगर वो बाहर जाना चाहती है तो घर वाले उनको जॉब करने से मना करते हैं। अब महिला करे तो क्या करे? लेकिन मीशो ने इनके लिए एक रीसेलर प्रोग्राम लॉन्च किया। मीशो चाहता है कि हर गाँव में बैठी हुई महिला, हर जगह पर बैठा हुआ इंसान घर बैठे बैठे पार्ट टाइम अपनी जॉब कर सकता है, उसके ऊपर अपनी एक इनकम जनरेट कर सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले कैंपेन चलाया महिला सशक्तिकरण के नाम से यानी कि वीमन एम्पावरमेंट, जहां पर महिलाएं घर बैठे बैठे प्रोडक्ट को सेल करती है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिसमें वो एक प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपए से लेकर 100-150-300 रुपए तक का कमीशन उसके ऊपर चार्ज कर सकती है, जिससे कि इनका अच्छी खासी इनकम जनरेट हो पाती है महीने के अंदर। अब दोस्तों सेकेंड हम बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। मीशो ने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर टारगेट किया क्योंकि आजकल हमारी सबसे ज्यादा ऑडियंस है जो कि सोशल मीडिया के ऊपर टाइम व्यतीत कर रही है, जितना कि टेलीविजन पर नहीं करती है। टेलीविजन के ऊपर मार्केटिंग के लिए हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो इसके ऊपर हमें बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसमें अच्छी खासी मार्केटिंग हो जाती है। तो दोस्तों जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कई ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मीशो ने धमाकेदार मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के जरिए इन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई और आज लोग इसे एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए नहीं बल्कि एक बिजनेस के जरिए देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लोग बिजनेस कर भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं और माल को परचेस भी कर रहे हैं। तो इन्होंने 3 काम एक साथ कर दिया। दोस्तों तीसरा आता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जैसे यूट्यूब के ऊपर किसी का चैनल है, उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी आईडी है, आपका कोई पेज है, उसके ऊपर बहुत सारे फॉलोअर जुड़े हुए हैं जो इनके मीशो की वेबसाइट को प्रमोट करते हैं लोगों के सामने कि मीशो पर आप इस तरीके से बिजनेस कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, खरीदारी कर सकते हो। इस तरीके से इन्फ्लुएंसर को टारगेट करते हैं जहां पर कि इनको अच्छी खासी टारगेटिव ऑडियंस मिलती है अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टॉक को सेल करने के लिए। दोस्तों फोर्थ नंबर पर आता है मीम्स। मीम्स यानी आपने बहुत बार देखे होंगे दोस्तों, आजकल जो कॉमेडी के मीम्स होते हैं,
RVCJ एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं, करोड़ों लोग इनके साथ में जुड़े हैं और इनकी वेबसाइट के जो मीम्स होते हैं लोग हर जगह शेयर करना पसंद करते हैं। तो इन्होंने मीम्स की कंपनी को टारगेट किया जिनके ऊपर मीशो के कई सारे ऐसे इन्होंने मीम्स बनाए, मीम्स के जरिए लोग इसको शेयर करते गए, लोगों के दिमाग में क्लिक हुआ कि मीशो नाम की भी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर लोग अर्निंग कर रहे हैं, अपना एक महीने का अच्छा खासा खर्चा निकाल पा रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग भी दोस्तों बहुत ही कारीगर साबित होती है क्योंकि ईमेल मार्केटिंग के जरिए भी हम अच्छे खासे कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं, टारगेट की ऑडियंस हमको मिल सकती है। और 6 नंबर पर आता है टेलीविजन मार्केटिंग। जब इनकी कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने लगी तो इन्होंने टेलीविजन को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। टेलीविजन के ऊपर, टीवी के ऊपर, समाचार पत्रों में भी इनकी बिजनेस की एड आने लगी और आज पूरे भारत के अंदर नंबर 1 सोशल ई कॉमर्स वेबसाइट बन चुकी है। अब दोस्तों मैं अगर इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बताऊं तो COVID-19 के टाइम पर कई ई कॉमर्स बिजनेस ने अपना अच्छा खासा रेवेन्यू कमाया है और रेवेन्यू कमाने का रीजन यही था कि लोग बाहर जा नहीं सकते थे, इनको घर बैठे बैठे ऑर्डर चाहिए था, तो जो डिलीवरी बॉय होते थे जो घर लाकर हमको माल प्लेस करके जाते थे। उसी के साथ में दोस्तों COVID-19 के दौर में कई लोग जॉबलेस हो गए, लोगों के पास में जॉब नहीं थी, महिलाएं घर पर बैठी हुई थी, लोग घर पर बैठे हुए थे, तो सोच रहे थे कि घर पर ऐसा कोई बिजनेस आइडिया मिले कि हम घर बैठे बैठे लोगों तक कुछ चीज पहुंचा पाए या तो फिर कुछ बिजनेस कर पाए जिससे कि हमें थोड़ी बहुत इनकम हो सके। तो यहाँ पर मीशो बहुत ज्यादा कारीगर साबित हुआ क्योंकि मीशो ने उसी टाइम पर अच्छे खासे ऑडियंस को एकत्रित करने की कोशिश की, ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश की कि लोगों को दिखे कि ये ई कॉमर्स नहीं बल्कि इसको बिजनेस की तरह भी माने कि जहां पर आप उनके प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों इन्होंने महिलाओं को सबसे ज्यादा टारगेट किया। आज अगर हम मीशो वेबसाइट की बात करें तो इसके ऊपर लगभग 1.7 करोड़ रीसेलर है जिसमें से 1.5 करोड़ तो केवल महिलाएं हैं। यानी आप समझ सकते हो दोस्तों कि महिलाएं सबसे ज्यादा इनके प्रोडक्ट को रीसेल कर रही है जिसके कारण वो अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर पा रही है। तो दोस्तों COVID-19 में कई लोगों ने इस बिजनेस मॉडल को अपनाया और अच्छी खासी अपनी इनकम भी जनरेट की। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए और उसमें अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और इसमें इन्वेस्टर को सब कुछ देखना पड़ता है कि कंपनी आगे प्रॉफिटेबल होंगी या नहीं होगी। इसी तरीके से इसका बिजनेस मॉडल अच्छा था और कई इन्वेस्टर ने इनकी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। अगर मैं बात करूं तो 2016 में वाई कॉम्बिनेटर यानी कि इन्होंने $120,000 इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया मीशो के अंदर जो लगभग इंडियन रुपीज में 90 लाख रुपए होते हैं। इसी के साथ में 2017 में सेल्फ पार्टनर ने लगभग $3.1 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट किए जो कि इंडियन रुपीस में लगभग 23 करोड़ होते हैं। दोस्तों 2018 में सिकोया कैपिटल ने लगभग $11 मिलियन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। इसी के साथ में 2019 के अंदर फेसबुक ने भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया और 2021 के अंदर SoftBank ने भी इसके अंदर लगभग $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। और दोस्तों बात करें हम 2021 सितंबर की तो उसी टाइम पर फिडेलिटी मैनेजमेंट एंड बी कैपिटल द्वारा इसमें लगभग $570 मिलियन की इन्वेस्टमेंट किया गया। दोस्तों आप समझ सकते हो पूरी ग्रैंड टोटल मिलाकर ये लगभग 30,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर और आज पूरे भारत के अंदर एक यूनिकॉर्न बन गई है। किसी भी कंपनी के अंदर अगर इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो ये एक कंपनी की ग्रोथ को दर्शाता है कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने प्रॉफिट को गेन करते जा रही है और जो इन्वेस्टर है इसके अंदर पैसा लगाते जा रहे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इसके अंदर अच्छी प्रॉफिटेबल सिचुएशन दिख रही है। अब दोस्तों हमने प्रॉफिट की तो बात कर ली कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, किस तरीके से इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से इनका बिजनेस मॉडल था, लेकिन हमें कंपनी के अंदर आने वाली बैरियर्स को भी देखना है कि किस तरीके से इनके साथ में बाधाएं आई इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो जानते दोस्तों कि इनकी क्या ऐसी मिस्टेक थी जिनके कारण इसको बिजनेस में कुछ बैरियर्स झेलनी पड़ी। तो सबसे पहला आता है फ्री शिपिंग। सबसे पहले जब मीशो आया था मार्केट के अंदर तो ये अपने सेलर्स को फ्री शिपिंग देते थे यानी कि वो सेलर से भी और बायर से भी शिपिंग का कोई भी चार्जेस चार्ज नहीं करते थे। तो इसमें क्या होता था कि कंपनी अच्छी ग्रोथ तो कर रही थी, लोग प्रोडक्ट को ऑर्डर भी कर रहे थे, बट यहाँ पर इनको शिपिंग चार्जेस के लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था तो यहाँ पर इनका जो वैल्यूएशन है थोड़ा कम हो जाता था। इसी के कंपैरेटिव में आप अमेज़न देखिए तो ये शिपिंग चार्जेस भी लेता है, सेलर से भी लेता है, बायर से भी लेता है। दोस्तों सेकंड बैरियर थे लो क्वालिटी। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी उस समय इसके ऊपर ऐसे ऐसे सेलर्स अपने सामान को बेच रहे थे जिनका कोई ब्रांड ही नहीं है, उनका कोई ब्रांड नेम ही नहीं है। अलग अलग कंपनियां अपने तरीके से अपने मुताबिक इसके ऊपर माल को सेलर बनके सेल कर रही थी और लोग खरीद भी रहे थे, लेकिन लो क्वालिटी होने के कारण इसका बिजनेस कहीं ना कहीं नीचे जा रहा था क्योंकि भारत के अंदर धुरंधर कंपनियां जैसे अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, ईबे शॉपिंग मॉल हो गया, कई ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट के मामले में मीशो से कई गुना आगे थी। उसी टाइम पर मीशो को यह बताना था कि लोगों को ब्रांडेड चीजें कम कीमत में हम प्रोवाइड कर सके। उसी टाइम पर दोस्तों इनकी लो क्वालिटी होने के कारण इनका बिजनेस कहीं ना कहीं नीचे जा रहा था। अब दोस्तों हम बात करते हैं सप्लायर कमीशन की। सप्लायर कमीशन यानी कि अगर अमेज़न पे आप देखोगे तो सप्लायर जब माल सेल करता है अपना अमेज़न के ऊपर तो अमेज़न अच्छा खासा उस प्रोडक्ट का चार्ज करता है कमीशन, तब जाके वो कस्टमर तक माल पहुंचा पाते हैं। लेकिन यही पर मीशो ने कई सप्लायर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पर ये लगभग 10% तक सप्लायर से कमीशन चार्ज करते थे। उसी के साथ साथ में दोस्तों भीड़ तो इकट्ठी हो रही थी प्लेटफॉर्म पर, कस्टमर भी आ रहे थे, बट यहाँ पर कुछ इन्हीं हरकतों के कारण, कुछ इन्हीं बैरियर्स के कारण 2020 में 315 करोड़ का घाटा भी हुआ जिनके कारण
कारण इन्होंने दोस्तों बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की अपने बिजनेस के अंदर। इन्होंने क्वालिटी एकदम सही रखी, सेकंड सप्लायर का कमीशन भी थोड़ा सा बढ़ाया और शिपिंग चार्जेस भी थोड़ा सा बढ़ाया। कुछ इंप्लीमेंट करने के बाद में आज ये कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है और कई लोगों के दिलों में छा चुकी है। दोस्तों ये ई कॉमर्स बिजनेस आइडिया से हमको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और इस केस स्टडी के जरिए भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि जो ये बैरियर्स होते हैं ना, ये बैरियर्स ही हमको समझाती है कि हम हमारे बिजनेस के अंदर किस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। जब स्टार्टिंग में हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लोगों को ऑफर प्रोवाइड करना एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि कस्टमर अगर आ रहा है अच्छे ब्रांड को छोड़कर आपके पास में, तो उसको कुछ तो ऐसा नया मिलना चाहिए, या तो फिर कमीशन मिलना चाहिए, या तो फिर कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, तब जाकर आपके लॉयल कस्टमर बन जाते हैं। दोस्तों आपको इस केस स्टडी से क्या समझ में आता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमने कई बिजनेस की केस स्टडी इस चैनल के ऊपर बना के रखी है, आप जरूर उन वीडियोस को देखिए, चैनल को विजिट कीजिए, यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है बिजनेस आइडिया के बारे में, बिजनेस स्टार्टअप के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ।